यू कैनॉट अप्रोच द ओशन विथ अ कप, आप सागर के पास कप लेके नहीं जा सकते कि इसमें पानी भर दो। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो इम्बैलेंस है वो टेरिबल है। सागर तो सागर है और हम कप लेके जा रहे हैं उसके पास, वो एक टेरिबल इम्बैलेंस है। हम उस कप की जगह कुछ और ले जाते, सपोज हम एक बॉटल ले जाते, तो भी सागर क्या करता? बॉटल भर देता और फिर उछल उछल कर वो सागर का पानी साइड में गिरता। सागर देने से मना नहीं कर रहा, पर व्यक्ति की रिसीव करने की कैपेसिटी लिमिटेड है। आप उस बॉटल को जग से रिप्लेस कीजिए, बकेट से रिप्लेस कीजिए, ड्रम से रिप्लेस कीजिए, टैंकर से रिप्लेस कीजिए, वो तो अनलिमिटेड है फ्लो में, ओशन सागर। और यहां जो कप है या ग्लास है या जग है या बॉटल है या व्हाटएवर है, वो लिमिटेड है। हमारे को लाइफ में जो भी चीज हमें रिसीव करनी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी वांट टू रिसीव इन लाइफ, हमें क्या करना है? हमें हमारी रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। द सोर्स विच इज देयर इज रेडी टू गिव अस ऑल दैट, दैट व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम रिसीविंग द फैक्ट दैट वी आर कप्स और बकेट्स और यू नो बैरल्स और ड्रम्स और व्हाटएवर, दैट इज व्हाट स्टॉप्स। हमें हमारी रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ानी है, हमें उस कप से फिर ग्लास बनना है, ग्लास से जग बनना है या बॉटल बनना है, या फिर उसके नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू बिकम दैट बकेट। वी हैव टू इंक्रीज आर रिसीविंग कैपेसिटी। हाउ डू वी डू दैट? हाउ डू वी इंक्रीज आर रिसीविंग कैपेसिटी? वी इंक्रीज आर रिसीविंग कैपेसिटी बाय एक्सपेंडिंग द माइंड। The mind has to expand. And how does the mind expand? The mind expands जब आप ये मान पाते हो कि अन्य possibilities हैं। Actually हमारे mind में किसी भी चीज को लेकर possibilities बड़ी limited होती हैं। I'll give you an example. हम कहानियां पढ़ते हैं, नॉट ओनली कहानियां, सच्ची बातें सुनते हैं, लोगों के मुंह से सुनते हैं। दे स्पीक ऑफ देयर गुरुज, वे कहते हैं हमारे गुरु हैं, हमारे गुरुजी हैं, और वो जंगल में रहते हैं, और वो जब अपने मेडिटेशन के उसमें रहते हैं तो उनके सामने सारे ऑल द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स अपना होड उठाकर रहते हैं, बट उनके पास एक भी नहीं आता, या सम अदर वाइल्ड एनिमल, वॉट एवर। अब अपन जब ऐसी बातें सुनते हैं तो अपने को लगता है हाँ वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, और क्योंकि वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं उनके लिए ऑल दिस इज पॉसिबल, हमारे लिए तो इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्नेक्स एंड लायंस एंड टाइगर्स, एंड हम कितनी कोशिश कर ले मे बी वी विल स्टिल बी देयर वेयर वी डेयर नॉट गो, एंड हमको हम ऐसे डेंजर्स फेस नहीं करना चाहते, दैट इज फाइन, वी आर ऑल इन दैट सेम प्लेस। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट वो जो वो व्यक्ति हैं जो कि इतने पहुंचे हुए हैं, उनके माइंड में और हमारे माइंड में, दैट इज माइंडसेट्स में डिफरेंस क्या है? हमारे माइंड में अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हमारे माइंड को एक ही पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, वो सांप समहाउ डंक मारेगा एंड समहाउ हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वन पॉसिबिलिटी, लिमिटेड पॉसिबिलिटी। एंड वो जो पहुंचे हुए लोग हैं उन्होंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर रखा है
there are other possibilities. There is a possibility कि मैं भले ही उन डेंजरस स्नेक से घिरा हुआ हूं, फिर भी I am going to be safe. ये possibility उस व्यक्ति के दिमाग में, माइंड में अवेलेबल है. ये पॉसिबिलिटी का फाइल या फोल्डर हमारे माइंड में तो अवेलेबल है ही नहीं. नाउ दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. यू टेक एनीथिंग इन लाइफ, ऑल द गुड, एनीथिंग इन लाइफ, हमारे माइंड सेट में अगर उस चीज को रिसीव करने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती इन अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वे, तो वो चीज जो हम चाहते होते हैं अपने लिए, वो हमारे पास आ भी नहीं सकती. हम खुद ही अपने आप को, वी जस्ट यू नो पुश ऑल दोज गुड थिंग्स अवे फ्रॉम अस बिकॉज वी डोंट इवन थिंक दैट इट्स अ पॉसिबिलिटी फॉर अस. एंड व्हेन दैट हैपेंस विद दैट काइंड ऑफ अ लिमिटेड माइंड सेट, we lose out on many many good things in life, and then we say ki hamari kismat, hamari kundli, hamara bhagya, pata nahi hamare karm, whatever, we give all kinds of explanations, whereas the truth is that the mind is not developed to that extent. And mind ek din mein develop nahi hota, bahut gradually hum usko expand karte rehte hain, aur is tarike se माइंड डिवेलप होता है. एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेटर पॉसिबिलिटीज इन दैट माइंड ऑफ आवर्स.